अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं बना रहा हूँ एडिबल लेस। एडिबल लेस के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके पास एडिबल जो है ना शीट होना जरूरी है। ये मैंने ये वाली ली है। आपके बहुत सारे डिजाइन जो है ना मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। इसको मैं बनाऊंगा ओवन में। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 100 के टेम्परेचर पे। अगर जिन लोगों के पास ओवन है तो उसमें बनाएं, अगर नहीं है तो इसको बना के ओवरनाइट जो है आप इसको छोड़ दें। जब सुबह उठेंगे तो ये बिल्कुल रेडी होगी और ये आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर जिनके पास जल्दी है, ओवरनाइट नहीं रख सकते, 2-3 घंटे में बनानी है तो इसको बना के, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इसको धूप में रख दें तो 2-3 घंटे में ये उसमें भी ये बन जाएगी, ठीक है। और इसको सेव भी कर सकते हैं। आप किसी भी पेपर में, किसी भी कपड़े में जो है आप इसको लपेट के रख दें, उसके बाद आप इसको शॉपर में भी रख दें, इसके बाद इसको आप रख दें 2-3 महीने तक के जो है ये खराब नहीं होती। जब भी चाहें आप केक की साइड पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये भी बताऊं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां सबसे पहले जो है पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा है मेरा, ठीक है, और इसको मैं जितनी क्वांटिटी चाहिए वो मैं ले लेता हूं। अच्छा देखिए, 1/4 कप जो है इसमें मैं गर्म गर्म पानी जो है इसमें ले लिया एक प्याली में, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा टाइलोस पाउडर, CMC पाउडर भी कहते हैं, टाइलोस पाउडर भी कहते हैं। इसमें 1 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने टाइलोस पाउडर लिया है और इसको अच्छी तरह जो है वो मैं मिक्स कर लूंगा। देखिए इसको अच्छी तरह जो है आप लोगों ने मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें आइसिंग शुगर ली है, ठीक है। ये आइसिंग शुगर डाल के फिर इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगा। अच्छा, ये आइसिंग शुगर जब मिक्स कर लें तो उसके बाद 1 टीस्पून इसमें कॉर्न सिरप जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। कॉर्न सिरप किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न सिरप डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से, आप इसको हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, स्पून से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना होता है। अच्छा, जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इसमें लास्ट में जो है आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखेंगे ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें कलर जो है आप अपनी मर्जी से कोई से भी कलर जो है आपको किसी भी कलर में बनानी है, आप अपनी मर्जी से कलर ऐड कर दें। जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता कि कोई ख़ास कलर नहीं होते इसके अंदर, आप कोई से भी कलर चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें रेड कलर ऐड करूँगा। रेड कलर जो है वो मैंने कॉपी केक के किए हैं। आप लोग कोई भी कलर, कोई से भी कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा बिल्कुल बैटर रेडी है। अब आपने सिलिकॉन शीट लेनी है, ठीक है, आपने नाइफ लेनी है बिल्कुल, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना वो प्रेस करके जो है ना आपने इसमें फिल करना है, और इसको इस तरीके से करना है कि कोई चीज़ जो है ये रह नहीं जाए कहीं ना। देखिए जी, जब ये अच्छी तरह हो जाए, फिल हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल प्लेन कर लेना, ऊपर से जो है आपने नाइफ से जो है ना बिल्कुल हटा देना ताकि बिल्कुल ये प्लेन हो जाए। ये देखिए कि ये हो गया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ये दोनों पे, ये पूरा जो बैटर जो है इससे हमारे ये तीनों जो है ना ये शीट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। एक तरीका और भी बता देता हूँ, आपने लेना है स्क्रेपर, ठीक है, स्क्रेपर से भी जो है बिल्कुल आप इसको प्लेन कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से स्क्रेपर के साथ भी आप इसको ऊपर से प्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको बेक कर रहा हूँ 100 पे। अच्छा, कभी भी, जब भी आप लोग बेक करें इसको, पहले ओवन को पहले प्री हीट होने दें। जब उसकी पूरी हीट जो है 100 पे पूरी हो जाए, ठीक है, आपका ओवन की लाइट जो है ऑफ हो जाए, तो फिर उसके बाद इसको बेक करें। अच्छा, ये देखें यहाँ हमारी बेक हो गई है, ठीक है। इसको जो है ना 8 मिनट लगे, 8 मिनट में जो है ना बिल्कुल बेक हो गई। अच्छा, इसको चेक किस तरीके से करना है, आप लोगों ने इसको निकाल के हाथ लगाना है या ओवन के अंदर भी हाथ लगाना है। ये चिपकनी नहीं चाहिए। अगर ये चिपक रही हो तो आप इसको मज़ीद जो है आप इसको बेक करें, ठीक है। अगर ये ना चिपके तो फिर आप इसको निकाल लें, और इसको जो है मैं अभी निकालूंगा क्योंकि ये है गर्म, ठीक है, और जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें से, इसके अंदर से निकालूंगा इसको। अच्छा जी, जब बिल्कुल ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको हल्के से जो है ना आपने शीट को यहाँ से इस तरीके से पुश करना है। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बिल्कुल ये छोड़ देगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड से आपने हाथ रखना है, ठीक है, और इसको एक साइड से थोड़ा थोड़ा आपने उठाते रहना है, ठीक है, ताकि ये टूटे ना। तो ये आराम से जो है ये निकल जाएगी।
बिल्कुल इस तरीके से आराम आराम से आप लोगों ने इसको निकालना है। ये देखें, ये इस तरीके से आपने पूरे इसको, अच्छा कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कि जब आप इसको उतार रहे हो तो ये नरम हो, जब ठंडी हो जाए, नरम होने के बाद ये खिंच रही है, मतलब स्ट्रेचेबल हो रही है, खिंच रही है, तो आप इसको थोड़ी देर जो है मज़ीद जो है आप इसको 2 से 3 मिनट जो है आप 100 की हीट पर आप इसको रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना फिर आप इसको उतारें। ये देखें जी, ये पूरा मैंने इसको उतार लिया, अब इसको रख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप इसी तरीके से इन दोनों को भी जो है मैं निकाल लूँगा आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये इस तरीके से ये बिल्कुल आराम से जो है ना ये निकल जाएगी। ये देखें, ये दूसरी भी जो है ये हमारी बिल्कुल उतर गई है, ठीक है। अब ये तीसरी जो है इसको भी मैं इसी तरीके से उतार लूँगा आराम आराम से। अच्छा, ये देखें, ये तीनों जो है वो हमारी तैयार हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसी में जो है मैंने फोल्ड करके जो है वो इसको रख दूँगा, सेव कर दूँगा, फिर जब मुझे चाहिए होगी केक पे लगाऊँगा तो फिर मैं इसको इसी तरीके से जो है प्लास्टिक में जो है आप लोगों ने इसको पैक करके प्लास्टिक में रख देना, ये ख़राब नहीं होंगी, जब तक कि आप लोग चाहें इसको रख सकते हैं, और फिर जब चाहें तो इसको केक की साइड पर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए ये बताऊँगा ये किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।